आप लोग भी सोच रहे हो यार कि इसके सब्सक्राइबर नहीं हैं, मतलब बहुत कम है, इसका वीडियोस पे व्यू नहीं चाहता है, फिर भी इसकी यूट्यूब की इनकम कैसे? तो यूट्यूब इनकम से मैंने S23 अल्ट्रा ले लिया, CBR बाइक ले लिया, स्विफ्ट डिजायर कार ले लिया। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको बताते जाऊंगा वीडियो के लास्ट में, या फिर आगे चल के मैं आपके सामने सारा कुछ रिवील कर दूंगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और फाइनली ये दो कमरे का जो प्लॉट है इसे भी कंप्लीट करने जा रहे, दो कमरा बनेगा यहाँ पे, तो सब कुछ आप लोग के सामने शेयर रहेगा। नथिंग टू हाइड एवरीवन। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस चैनल में, इस वीडियो में बहुत ज़्यादा कुछ अलग हो रहा है। पता नहीं मुझे ये चीज़ दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए, ये मेरा पर्सनल मैटर है। तो गाइस, JCB देख के तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक्चुअली करवा गया रहा हूँ, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोऑपरेट करते रहो इसी तरीके से, और इस वीडियो का पूरा मज़ा लो आप, और एक एक डिटेल आपके सामने जो है निकल के आएगी गाइस। लेकिन फिर भी जब हर एक चीज़ आप लोगों से शेयर होता है तो फिर ये क्यों ना हो। तो फिलहाल गाइस, मैं अपने यूट्यूब के इनकम से एक प्लॉट पे जो है घर जो है बनाने का काम शुरू कर रहा हूँ। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये बताने में थोड़ा अच्छा सा लग रहा है, क्योंकि YouTube के इनकम से मैं जो है ये घर डेवलप करने जा रहा हूँ, और ये घर बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा क्योंकि मेरी अर्निंग इतनी ज़्यादा नहीं है, तो सिर्फ दो कमरे का जो है घर मैं तैयार करवाऊँगा। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। फिलहाल मैं अभी अपने प्लॉट पे हूँ। और जैसा कि आप लोगों ने देखा कि JCB चला है, मिट्टी वगैरह जो है स्मूथ करा गया है, और अभी थोड़ा मिट्टी गिराने का काम चल रहा है यहाँ पे। मिट्टी इस नाली को ब्लॉक किया जाएगा डाल के, और उसके बाद जो है यहाँ से बाउंड्री उठेगा। डालिए गाइस, दूसरा ट्रॉली आ गया मिट्टी। अप्रॉक्स अभी 6 ट्रॉली डलवाना है, उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ जा रहा है, और मिट्टी जो है बहुत ज़्यादा अभी नमी है मिट्टी में, तो इसकी वजह से ट्रैक्टर बहुत ज़्यादा पीछे नहीं जा पा रहा है। और हमें नाली के पास में मिट्टी गिरवाना था, तो मुझे लग रहा है मिनी JCB बुलाना पड़ेगा वापस से, और उसके बाद इस मिट्टी को फिर यहाँ से उठा के वहाँ पे शिफ्ट किया जाएगा। तो देखते हैं कितना काम हो सकता है आज। ट्रैक्टर पूरी तरीके से फंस चुका है अब इसमें, देखते हैं क्या हो सकता है। तो फिलहाल गाइस जो है फावड़े से जो है इस मिट्टी को नीचे गिराया जा रहा है, क्योंकि ट्रैक्टर पूरी तरीके से जो है मिट्टी पे धंस चुका है, और फिलहाल इसका लोड कम करके जो है इसे वापस से जो है बाहर निकाला जाएगा, और थोड़े पहले ही अब जो मिट्टी गिरेगी वो थोड़ा पहले ही गिरेगा, और उसके बाद JCB से जो है ना इसे आगे की तरफ शिफ्ट कराया जाएगा। तो फिलहाल फटाफट इस काम को फिनिश करते हैं यार, क्योंकि हमारे शॉप पे भी जाना था, और वो भी आज का लग रहा है नुकसान हो ही जाएगा मे बी। तरीके से ब्लॉक हो चुका है।
कि मिट्टी गिरते समय कैसे ट्रैक्टर फंस गया था। तो गाइज आप लोग बस थोड़ा सा सपोर्ट करो यार, और इस पूरे ब्लॉक को ना आगे लेके चलो। मैं आप लोग को ये पूरा ना दो कमरे का जो मकान है ना वो डेवलप करते हुए आप लोग के सामने पूरा घर बनाऊंगा, और इससे कहीं ना कहीं आप लोगों को भी बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा। अगर दो कमरे का घर बनाना होगा तो क्या खर्चे आएंगे इसमें, कहाँ क्या खर्चा पड़ रहा है, कैसे चीज़ें हो रही हैं, वो सारा कुछ मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। तो गाइज़ अभी जो मिट्टी यहाँ पे गिर रही है, एक्चुअली इसका जो कॉस्ट है ये पर ट्रॉली जो है 1400 रुपये पड़ रहा है, और आई डोंट नो कि कितना ज़्यादा यहाँ पे लगने वाला है। अप्रॉक्स अभी 6 ट्रॉली गिरेगा, देन उसके बाद जो यहाँ पे रिक्वायरमेंट के हिसाब से 7, 8 या 10 ट्रॉली और गिरेगा, तो हमारा जो थोड़ा सा लेवल होगा ना वो थोड़ा सा और ऊपर करेंगे, उसके बाद जो है इसमें बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। ये पूरा नाली इतना ज़्यादा चौड़ा नहीं है, नाली की चौड़ाई कम है, बस इसका जो नाली का बाउंड्री है वो टूट चुका है, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा फैल चुका है। JCB का जो काम हुआ था, JCB के काम में 3500 रुपये के करीब में खर्चा आया है, और वो सिर्फ आधे घंटे का काम था, लेकिन आधे घंटे के लिए कोई JCB आपके पास आती नहीं है, तो उसका जब बुकिंग हम करते हैं तो जहाँ से वो चलता है वहाँ से लेके आना जाना उसमें सारा कुछ उनका कॉस्ट इंक्लूडेड होता है, क्योंकि आधे एक घंटे का काम होता है। अगर पूरे दिन का काम होता तो आने जाने का कोई कॉस्ट उनका जुड़ता नहीं है, और JCB पर घंटे के हिसाब से चलता है, तो 1200 रुपये घंटे के हिसाब से वो था। अब तो गाइस आपके सामने एक चीज़ मैं शो कराना चाहता हूँ, कहते हैं ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले हीरे मोती, तो मेरे सामने कुछ ऐसा ही है, मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं अभी अपने प्लॉट पे काम कर रहा हूँ और मुझे क्या मिलता है, ये देखो आप, ठीक है यार। ये फिलहाल बंद हो चुका है इंडिया में, लेकिन फिर भी है तो अपने इंडिया की करेंसी ना, और देखते हैं कितने का है। वाह फिलहाल मिनी क्वाइन है यार, एटलीस्ट मेरे प्लॉट से कुछ तो प्रॉफिट हो गया। देखो ये होता लक। फिलहाल गाइस एक और ट्रॉली आ गया, जल्दी जल्दी यार ये काम खत्म हो जाए यार, ये बार बार आना जाना काउंट करना। गाइस लास्ट ट्रॉली मिट्टी आ चुका है, और लास्ट इन द सेंस 6ठा ट्रॉली है ये, और इसको जल्दी से शिफ्ट करके फटाफट अभी यार यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि काफी ज्यादा लेट हो चुका है। पता ही नहीं चल रहा यार 6 ट्रॉली मिट्टी है, देख रहे हो 2 ट्रॉली तो यही है, 4 ट्रॉली यहाँ पे लग गया है, बट मैं भी निकलता हूँ क्योंकि मुझे भी लग गई है भूख। उसके बाद यहाँ से चलते हैं और मिट्टी का पेमेंट करते हैं, बाकी देखते हैं मिनी जैसे भी अगर मिल जाता तो ये मिट्टी को यहाँ पे शिफ्ट भी करवाना है। तो गाइज यही है भू माफिया, अगर किसी को नहीं मजाक था, अगर किसी को मिट्टी की ज़रूरत हो तो इनसे संपर्क कर सकता है, और ये काफ़ी अच्छे रेट में आपके प्लॉट पे मिट्टी गिरवा सकते हैं। और मिट्टी के अलावा और कुछ काम तो मतलब बिल्डिंग मटेरियल के अगर सामान की ज़रूरत है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा, इनका नंबर जो है डिस्क्रिप्शन में और नीचे शो कर रहा होगा, मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ नंबर इनका, तो इनसे कांटेक्ट करके आप मिट्टी और बालू ले सकते हैं काफ़ी अच्छे रेट में। तो फिलहाल इनको पेमेंट करते हैं और यहाँ से निकलते हैं, काफ़ी लेट हो चुका है।